रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। सभी किसान व्यापारी और आड़ती भाइयों को राम राम। भाइयों, आज दिन है बुधवार और तारीख 27 दिसंबर 2023। आज मंडी में फल सब्जियों की आवक, बिक्री और मंडी का माहौल कैसा रहा, ये पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे और अपना अनुभव भी बताएंगे। 7-8 मिनट की वीडियो में आपको मंडी के माहौल की देंगे पूरी जानकारी। यह वीडियो हमारी मंडी रिपोर्ट की वीडियो का दूसरा भाग है। इससे अलग हमारी मंडी रिपोर्ट की वीडियो का पहला भाग भी है, जिसमें आलू, प्याज और लहसुन के बाजार भाव का माहौल आपके साथ साझा करेंगे। भाइयों, आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है, वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और लाइक शेयर कमेंट में से एक जरूर करें, क्योंकि बड़ी मेहनत और प्यार से वीडियो बनाते हैं। हमारी मेहनत की सफलता इसी में है, आप वीडियो को पूरा देखें। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं सब्जियों के बाजार भाव से और जानते हैं आज सब्जियों का बाजार भाव। टमाटर करेट भाइयों, ये माल 350 से 380 रुपए तक रहा है और टमाटर में ये माल 380 रुपए से 420 रुपए तक चला है। मटर का बाजार 16 से 18 रुपए किलो रहा है। मटर सुबह आवक कम होने से 2-3 रुपए की तेजी सुनने में आ रही थी, बाद में माल आने से दाम यही चला। शिमला मिर्च में ये माल 20 रुपए से 22 रुपए किलो रहा और भाइयों, शिमला मिर्च में ये माल 26 रुपए से 28 रुपए किलो रहा है। बंद गोभी का बाजार 5 रुपए से 7 रुपए किलो और फूल गोभी भाइयों 10 से 12 रुपए किलो रही है। हरी मिर्च में ये माल 20 से 22 रुपए किलो और हरी मिर्च में ये माल 23 से 25 रुपए किलो रहा। धनिया का बाजार 24 से 27 रुपए किलो तक चला है। पालक 15 से 18 रुपए किलो, हरा साग सरसों वाला 15 से 20 रहा। मेथी का बाजार आज 18 से लेकर 22 रुपए किलो तक चला है। बथुआ भाइयों 16 से 18 रुपए किलो रहा है और बाद में बथुए के दाम में गिरावट देखी गई, जो कि 12 रुपए से 14 रुपए किलो भी बिका है। पुदीने का बाजार 40 से 50 रुपए किलो रहा। हरा पेठा 14 रुपए से लेकर 16 रुपए किलो रहा है। नींबू लोकल माल 18 से 22 रुपए किलो। खीरे में ये माल 13 से 15 रुपए किलो रहा और खीरा ये पॉली हाउस 20 रुपए से 23 रुपए किलो रहा है। घिया का बाजार 16 रुपए से 18 रुपए किलो रहा है। घिया की आवक आज अन्य दिनों के मुकाबले कुछ ज्यादा नजर आई, बाजार भी नीचे रहा। तोरी भाइयों, ये माल 23 रुपए से लेकर 26 रुपए किलो तक चला। बैंगन का बाजार 13 रुपए से लेकर 16 रुपए किलो रहा है। हरी बैंगनी 13 से 17 रुपए किलो। स्वीट कॉर्न का बाजार 12 से 14 रुपए किलो रहा। मूली भाइयों 6 रुपए से लेकर क्वालिटी के हिसाब से 12 रुपए किलो तक बिकी है। सलगम का बाजार 10 रुपए से 14 रुपए किलो तक चला। सकरी आज 10 रुपए से 14 रुपए किलो तक रही है। गाजर का बाजार 8 से 10 रुपए किलो ये माल और भाइयों 10 से 12 ये माल रहा है। हरी जुगनी 8 से 10 रुपए किलो और कुछ हल्का माल 4-5 रुपए किलो भी बिका है, जो मोटे साइज की जुगनी होती है। हरा प्याज 15 से 20 रुपए किलो रहा। सिंगरे का भाव 20 रुपए से 25 रुपए किलो तक रहा है। चप्पल कद्दू 18 से 20 रुपए किलो और चकुंदर भाइयों 8 से 12 रुपए किलो थोक भाव में बिकी है। कोई भाई मंडी में फल सब्जियों का आड़त का काम करना चाहता है तो किराए के लिए दुकान खाली है, दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अब जानते हैं फलों का बाजार भाव, जो कि इस प्रकार से रहा है। नारियल पानी 20 पीस पैकिंग 550 रुपए से 600 रुपए। नारियल पानी का उठाव बहुत कम नजर आ रहा है आजकल। किन्नू भाइयों, ये माल 8 से 10 रुपए किलो और किन्नू में ये माल 12 से 15 रुपए किलो और किन्नू में ये माल 17-18 रुपए किलो रहा है। अनानास का बाजार 38 से 40 रुपए किलो। केला करेट 10 से 12 दर्जन 500 रुपए से 600 रुपए तक चला है। सेब कश्मीरी में ये माल 1050 से 1100 रुपए डब्बा बिका है। एक डब्बे में 14-15 किलो सेब होते हैं। अमरूद भाइयों 700 रुपए से 800 रुपए करेट रहा है। एक करेट में 20-22 किलो अमरूद होते हैं। पपीते का बाजार 10 से 15 रुपए किलो तक है। अनार ये माल 800 रुपए से 850 रुपए डब्बा, एक डब्बे में 10 किलो अनार होते हैं। तरबूज का बाजार 20 से 22 रुपए किलो। संतरा भाइयों ये माल
30 से 35 रुपए किलो रहा। चीकू का बाजार 400 रुपए से लेकर 500 रुपए डब्बा रहा है। एक डब्बे में 10 किलो चीकू होते हैं। काला अंगूर 1100 रुपए से 1200 रुपए क्रेट रहा है। ये छोटी क्रेट है जिसमें 10 किलो माल होता है। कुछ माल मंडी में परचून में बिकता है जिसका कारण उसकी कम लागत या ज्यादा भाव का होना होता है। उनके भाव इस प्रकार से रहे हैं। अदरक 100 रुपए से 110 रुपए किलो। भीसे का भाव 70 से 80 रुपए किलो। मशरूम भाइयों 70 से लेकर 90 रुपए किलो तक चली है। आंवले का बाजार 35 से 40 रुपए किलो रहा। लाल पीली शिमला 150 रुपए से 160 रुपए किलो। अरवी का भाव 50 रुपए किलो रहा। कटल 50 से 60 रुपए किलो। सेम फली 35 रुपए से 40 रुपए किलो। भिंडी का बाजार 100 रुपए से लेकर क्वालिटी के हिसाब से 120 रुपए किलो तक रहा है। भाइयों आज बुधवार को मंडी में माल की आवक और ग्राहकी ठीक ठाक ही रही है। मंडी में आज घिया की आवक अन्य दिनों के मुकाबले ज्यादा रही और उठाव भी कम ही रहा। आलू के बाजार में भी 20 से 30 रुपए की तेजी रही। बथुए के भाव में बाद में आज गिरावट देखी गई। भाइयों यह था आज करनाल मंडी में फल और सब्जियों का बाजार भाव वीडियो भाग दो। इस वीडियो से जुड़ा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आलू प्याज और लहसुन के बाजार भाव के लिए आप देखें वीडियो भाग एक। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। सभी किसान व्यापारी और आढ़ती भाइयों को राम राम। भाइयों फल व सब्जियों के ताजा भाव की जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके।